बना रहा बना रहा। आपका राजीव कुमार। क्या आप यहाँ क्या कर रहे हो? एजेंट हूँ मैं। किसका? सुखवंत जी का। अच्छा, क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? लेडीज आ रही है मोमडन, तो चेहरा बांध के आ रही है वो, तो मैंने उनको बोला कि चेहरा खोल के आओ, फेस दिखाओ, तो जाके वोट। आपने यहाँ जो सेक्टर ऑफिसर है या पुलिस अफसर है बताया उनको? नहीं नहीं, मैंने बोला था उनको सबको, मैंने सर खुलवा के बोलो उनको, फेस खोलो उनका। वो अभी क्या पोजीशन है? अभी पोजीशन शोर मचा रहे थे बाहर। बाहर कौन कौन है बोलो? वो बाहर में तो बाहर गया नहीं, सब गेट के सुबह से ही हूँ, 5 बजे से। यहाँ पुलिस का पूरा प्रबंध है? हाँ, पूरा प्रबंध तो नहीं है? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सेंटर पे, तो बाहर हो रहा हल्ला हो रहा है। फूट नंबर क्या है? 266। क्या नाम है? ब्रजेश सेन, में भाजपा युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ। यहाँ कुछ अभी जो आपका जो मतदान केंद्र है, क्या मामला सामने आया? यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय के लोग आए थे, हमको धमका रहे थे। मदन लाल जी हमारे बूथ अध्यक्ष, हमको धमकाया कि भाई हम तुमको 2 दिन बाद देखेंगे, और तुम हमारे फर्जी तरीके से हमारे साथ धक्का मुक्की हुई है, और उसके बाद वो यहाँ से निकल गए नदी ऊपर की। फर्जी वोटिंग का मामला? फर्जी वोटिंग का मामला था। एक लेडीज थी, मुँह पर नकाब लेके आ रही थी, और जैसे उसको हमारे अध्यक्ष एजेंट ने रोकने की कोशिश की, तो उसको भी चैलेंज करने लगे। महिला यहाँ पुलिसकर्मी लगी जो उनको चेक कर सके? नहीं, ऐसी यहाँ कोई किसी प्रकार की मांग की SHO और जो यहाँ सेक्टर अफसर जी, इस प्रकार की हमने कोई मांग नहीं की, लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अच्छा, एजेंट कैसे आइडेंटिफाई किया कि महिला फर्जी वोट डाल रही है? तो वो नकाब लगा हुआ था, उसको खोलने की कोशिश कर रहा था वो। अगर वो लड़की है तो भाई घर का घूंघट क्यों काटेगी? अच्छा, अविवाहित लड़की की वोट डालने आई थी? हाँ, महिला कोई जी। क्या है बूथ संख्या? बूथ संख्या 266। सर, आप सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, चूँकि अभी जो पीछे वाला एक बूथ है और इस बूथ की कोई समस्या सामने आई थी? नहीं, ऐसे तो जब चुनाव होते हैं तो फोन आते रहते हैं लोगों के, लेकिन ऐसी कोई बात लगी नहीं हमें, सब जगह हमने चेक कर लिया। यहाँ अभी बताया गया है कुछ जो विषय के 2 दिन बाद हम देख लेंगे, क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, फिर भी ऐसी कोई तब जांच करेंगे और पूरी कार्रवाई की जाएगी। कितने आपने यहाँ तक अभी तक राउंड वाउंड हो चुके हैं? राउंड मोबाइल निरंतर राउंड पे है, और अभी इंचार्ज साहब ने भी राउंड लिया है, और सुप्रभा अधिकारी तौर पर मैंने भी राउंड लिया है, तो सारी व्यवस्था ठीक है, और बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना हमारा प्राथमिकता है, जो हम करवाएंगे। सर, एजेंट का कहना है कोई महिला फर्जी वोटिंग करने आई थी, और उससे जब कहा तो धमकाने का मामला सामने आया, कोई मुस्लिम महिला थी, बुरका बांध के? ऐसा कोई अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया, फिर भी ऐसा कोई जाँच करेंगे और पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो सब देखेंगे, जाँच करेंगे और पूरी कार्रवाई की जाएगी। कितने आपने यहाँ तक अभी तक राउंड वाउंड हो चुके हैं? राउंड मोबाइल निरंतर राउंड पे है, और अभी इंचार्ज साहब ने भी राउंड लिया है, और सुप्रभा अधिकारी तौर पे मैंने भी राउंड लिया है, तो सारी व्यवस्था ठीक है, और बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हमारा प्राथमिकता है, जो मैं कराऊँ। सर, एजेंट का कहना है कोई महिला फर्जी वोटिंग करने आई थी, और उससे जब कहा तो धमकाने का मामला सामने आया, कोई मुस्लिम महिला थी, बुरका बांध के, या महिला? भी हमारे संज्ञान में नहीं आया, फिर भी ऐसा कोई जांच करेंगे। सर, महिला कांस्टेबल नहीं है जांच करने के लिए? वो सब देखेंगे।